सड़कों के निर्माण के लिए विधायकों को मिले 2,200 करोड़ रुपए। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष शज्ञान चंद गुप्ता ने मोगीनंद से नगल तथा भरेली से सगराना तक सड़क के जीर्णोद्धार कार्य का शिलान्यास किया। गुप्ता ने कहा कि भरेली से सगराना तक सड़क के निर्माण का कार्य लगभग 2 महीने में पूरा होगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्र के विधायकों को उनके विधानसभा क्षेत्र में सड़कों के निर्माण तथा जीर्णोद्धार के लिए 25 करोड़ रुपए की राशि दी है, जिसके तहत पंचकुला में इस प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं। आज दो सड़कों का उद्घाटन जो है वो हुआ है, गांव सकराणा से लेकर के चमगौली जो पंजाब का बॉर्डर है वहां तक ये लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी सड़क जो है वो आज उसकी शुरुआत हुई है। और जो जैसा अभी ठेकेदार ने बताया कि 2 महीने के अंदर अंदर ये पूरी की पूरी सड़क बन करके तैयार हो जाएगी। दूसरी सड़क का उद्घाटन डगड़ मोगीनंद के अंदर वो भी लगभग 60-70 लाख रुपए का उसका एस्टीमेट है, वो भी बन करके उसका भी शुरुआत आज की जा रही है। और मैं समझता हूँ कि जो हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने हर एक विधायक को 25 करोड़ रुपए की सड़कें, 25 करोड़ की जो सड़कें हैं वो एक एक विधानसभा के अंदर बनाने के लिए उन्होंने आदेश दिए, उसी के अंदर से ये सड़क जो है तो बन रही हैं। और कई सड़कें ऐसी हैं जिनके टेंडर हो चुके हैं, जल्दी भी वो और शुरू होने वाली हैं। डेराबसी बरवाला रोड जो है उसके ऊपर काम शुरू हो चुका है। और मैं समझता हूँ कि जहाँ तक सड़कों की बात है, पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर यूँ कह लो जो कि 2200 करोड़ रुपया सड़कों के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने दिया, जिससे कनेक्टिविटी ठीक हो सके। और हमारी जो ये सड़क NH 73 जब से बनी है, इस इलाके के हमारे बरवाला इलाके की तस्वीर भी बदली है, तकदीर भी बदली है। जो ज़मीनों के रेट किसी टाइम 15-20 लाख रुपए किल्ला होते थे, आज 1-1 करोड़ रुपया, 1.5-1.5 करोड़ रुपए किल्ला जो है ना, आज सारे गांव के अंदर उसके रेट हुए हैं। उसका कारण यही है कि कनेक्टिविटी जो सड़कों की है वो अच्छी हुई है। तो मैं इस अवसर पर सभी सकराणा वासियों को, डॉक्टर मोगीनंद के लोगों को बहुत बहुत बधाई। सर, एक प्रश्न राजनीति करना चाहते हैं। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।